हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की, बात करेंगे दीपेंद्र सिंह यारी की, बात करेंगे रोहित पोडल की। हम सभी को पता है कि ग्लोबल कैनेडा लीग खत्म हो चुकी है, संदीप रामेचारे नेपाल वापस आ चुके हैं और नेपाल को जिस तरह से खुशखबरी मिली है कि एनसी में 14 डेज का कैंप लगेगा नेपाल की टीम का। और उससे पहले जयशाह का एक स्टेटमेंट और आता है कि जो फैसिलिटीज है नेशनल अकेडमी की यानी एनसीए की, वो और बेहतर कर दिए जाएंगे, तो इससे बेहतर नेपाल के लिए कोई मतलब चीज़ होगी नहीं। एंड इसके बाद लेकिन दो खिलाड़ी अभी भी हैं जो वहीं पर हैं, अभी मतलब वहां पर नहीं, अब वेस्ट इंडीज रवाना हो जाएंगे वहीं से सीधे। वो उनका नाम है दीपेंद्र सिंह यारी, उनका नाम है रोहित पोडल। हम सभी को पता है कि वेस्ट इंडीज की जो 360 लीग होती है वहां के लिए ये सिलेक्ट हो गए हैं। T10 लीग होती है और वहां पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज, मतलब बहुत बड़े तो आप नहीं कहोगे लेकिन वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर हैं जो आपको खेलते हुए नजर आते हैं उस लीग में। और उस लीग के लिहाज से आप देखोगे ना तो ये बहुत बेहतरीन एक्सपोजर होगा नेपाल के इन दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वहां पर ऐसी कंडीशन होंगे कि आप आओ और मारो और नेपाल के प्लेयर्स को वही देखना है। हालांकि अगर आप देखोगे दीपेंद्र सिंह यारी ने जरूर 9/50 बनाए हुए, 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगाए हुए, बट वो छोटी टीमें थी, बड़ी टीमों के अगेंस्ट अभी हम उनको फंसते हुए देखते हैं। तो जब यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे ना वो, तो आगे चल के बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे खुद को भी और नेपाल को एक बेहतर स्थिति में ले जाएंगे। तो वही कहानी है कि अब देखना पड़ेगा यहाँ पर ये किस तरह का परफॉर्मेंस देकर दिखाते हैं, बिकॉज उम्मीदें काफी होंगी रोहित पोडल से भी, दीपेंद्र सिंह यारी से भी, स्पेशली दीपेंद्र सिंह यारी से। वो जिस तरह के हिट्स लगाते हैं तो वहां पर देखना दिलचस्प होगा वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं वहां जाकर। एंड रोहित पोडल जिनको ग्लोबल कैनेडा लीग में कुछ खास मौके नहीं मिले, मौका मिला जहां पर, वहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए सिर्फ एक मैच में एंड उसके बाद बाहर कर दिया गया, वो बहुत हार्श था उनके लिए। लेकिन अब वहां पर जब जाएंगे वो वेस्ट इंडीज लीग में, तब देखना पड़ेगा ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर हम मैचों के लिहाज से बात करें तो दीपेंद्र सिंह यारी की टीम मेरे ख्याल से खेल रही है 18 को और 22 को, जब नहीं सॉरी रोहित पोडल की टीम खेल रही है 18 और 22 को एंड दीपेंद्र सिंह यारी की टीम खेल रही है 20 और 23 तारीख को, यानी ये इन 2 तारीख को आपको इन दोनों टीमों के मैच नजर आएंगे। ये जो लीग है वो 18 से स्टार्ट हो रही है एंड 25 से पहले पहले खत्म हो जाएगी। जी हाँ, T10 के मैचेस हैं, एक दिन में 3-4 मैचेस होंगे, तो आप समझ सकते हो कि बहुत फास्ट चलेगी ये लीग और बहुत तेजी में आपको ये खत्म होते हुए नजर आएगी, यानी कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं लगने हैं, आप 6-7 दिन में पूरी लीग को होते हुए देख लोगे, मतलब एक दिन में 2-3 बार भी देख सकते हो जिस तरह से वो लीग चलने वाली है, बहुत मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप से, तो वो कहानी रहने वाली है। बाकी आप बताइए क्या आपको लग रहा है कि वहां पर ये लीग बहुत बेहतर साबित हो सकती है दीपेंद्र सिंह यारी के लिए और रोहित पोडल के लिए, और नेपाल के लिए कितना बेहतर होगा ये जब ये दोनों खिलाड़ी उस लीग में जाएंगे। बाकी आप बताइए क्या लग रहा है आपको उस लिहाज से।